Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is me Apurva and I hope you're doing great. So, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी my top 5 best face packs for oily skin. सारी face pack बहुत ज़्यादा effective है, yet बहुत easy to make है, तो चलो start करते हैं. वेरी फर्स्ट फेस पैक इज नीम फेस पैक, जिसके लिए हमें चाहिए नीम पाउडर. अभी नीम पाउडर आप घर पे भी बना सकते हो और मार्केट का भी ले सकते हो. उसमें हमें मिक्स करना है रोज़ वाटर. अभी रोज़ वाटर मिक्स करते करते हमें एक पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बना लेनी है. नीम इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंग्रीडियंट फॉर ऑयली स्किन. ये हमारे एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, तो हमारे एक्ने को प्रिवेंट करता है, उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प करता है. और इसमें हमने डाला है रोज़ वाटर, जो हमारे पोर्स को क्लीन करता है, हमारे डेड स्किन को रिमूव करता है. ओवरऑल ये फेस पैक बहुत अच्छा वर्क करता है ऑयली स्किन के लिए, और साथ में ये बहुत ज़्यादा इजी है बनाना. आप इसे वीक में दो बार अप्लाई कर सकते हो. और नेक्स्ट फेस पैक इज़ मुल्तानी मिट्टी फेस पैक. इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मुल्तानी मिट्टी पाउडर और एलोवेरा जेल. इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है. सो आई थिंक मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट से हम सब बहुत ज़्यादा अवेयर हैं. जितना भी एक्सेस ऑयल होता है हमारे फेस पे, ये सब अब्सॉर्ब कर लेती है. बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिच इन मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हमारे फेस को ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है. जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ होती है वो भी हमारे फेस से निकाल देता है एंड हमारे पोर्स को भी क्लीन कर देता है. अभी हम बनाएंगे ऑरेंज पील फेस पैक. ऑरेंज पील पाउडर भी बहुत ही इजीली घर पे बन जाता है. इसे हमें रोज़ वाटर में मिक्स करना है और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है. सो बिकॉज ऑरेंज पील इज़ रिच इन विटामिन सी, तो हमारे स्किन को ब्राइटन भी करता है एंड साथ में ही हमारे एक्ने स्कार्स को लाइट और रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है. एंड जितना भी बैक्टीरिया हमारे फेस पे हो जाता है जिससे हमें एक्ने बनता है, उसे भी कम करता है. सो अभी अच्छे से हमें फेस पैक्स अपने फेस पे लगाने हैं. एंड मेक श्योर जब भी आप फेस पैक लगाओ, अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लो, वॉश कर लो एंड उसके बाद ही फेस पैक अप्लाई करो. आप इसे वीक में दो बार अप्लाई कर सकते हो एंड एज आई ऑलवेज से पार्शल ड्राई होने के बाद हमें इसे वॉश कर लेना है. तो नेक्स्ट फेस पैक इज टमेटो फेस पैक, जिसके लिए हमें चाहिए टमेटो. मैंने एक छोटा सा टमेटो यहाँ लेके ग्रेट करा है, उसका पल्प निकालिया है एंड अब इसमें हम ऐड करेंगे हनी. अराउंड एक स्पून मैंने हनी ऐड किया है. अब इनको अच्छे से मिक्स करना है. टमेटो में होता है एस्ट्रिंजेंट, जो कि हमारे ऑयलीनेस को रिड्यूस करता है. इट इज़ रिच इन विटामिन ए सी के, तो हमारे पोर्स को क्लियर करता है, हमारी ऑयलीनेस को रिड्यूस करता है, हमारी स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करता है. ओवरऑल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. सो मेक श्योर आप इसे अप्लाई करो ट्वाइस अ वीक. अब हम बनाएंगे राइस फेस पैक, जिसके लिए हमें चाहिए राइस फ्लावर. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी टर्मरिक एंड अराउंड एक स्पून हनी. इन सबको अच्छे से मिक्स करना है. राइस फ्लावर वर्क्स एज अ माइल्ड एक्सफोलिएटर, तो जितनी भी डेड स्किन होती है उसे रिमूव करता है. ऑल्सो एक्ने के जो स्कार्स हमारे फेस पे होते हैं उन्हें भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है. जितना भी एक्सेस ऑयल होता है ये उसे अब्सॉर्ब कर लेता है. स्किन को स्मूथ करने में और उसे रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. अभी इसमें हमने टर्मरिक भी डाला है, जो कि वी ऑल नो एंटीसेप्टिक होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ आती है, जो हमारे पिंपल से फाइट करने में और ब्रेकआउट्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है. स्किन पे होने वाले इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करती है एंड ऑल्सो हमारे डार्क स्पॉट्स को भी लाइट करती है. इसमें हमने हनी भी डाला है, जिसमें होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि हमारे बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं. हमें पिंपल और एक्ने की कम प्रॉब्लम होती है. जितने भी फेस पैक मैंने इस वीडियो में शेयर करे, दे आर वेरी इफेक्टिव, बहुत ही इजी टू मेक है, सबको सूट करते हैं. बट बिफोर अप्लाइंग देम डू हैव अ पैस टेस्ट. एंड या आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज कॉमेंट जरूर करना, लाइक करना एंड या डू सब्सक्राइब. कीप स्माइलिंग, कीप लविंग. ओके बाय.